हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिर्फ 21 दिन में ही लगेंगे स्पुतनिक के दो टीके। भारत में कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ। रूसी टीके स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के साथ ही भारत के पास अब इस महामारी के खिलाफ तीन तीन टीके हो चुके हैं। नेशनल रेगुलेटर यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण ने इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड शील्ड और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। स्पुतनिक वी लिक्विड को -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है। हालांकि इसके सूखे प्रारूप को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। RDIF के अनुसार स्पुतनिक वी को 55 देशों में 150 करोड़ से अधिक लोगों के उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। वैक्सीन की कीमत $10 प्रति शॉट से कम रखने का प्रस्ताव है। हालांकि भारत में इसकी कीमत क्या होगी ये तय नहीं हो सका है। पहले दोनों टीकों की तरह इसका इस्तेमाल भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों पर किया जा सकेगा। हालांकि भारत में अभी सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। स्पुतनिक वी की दूसरी खुराक 21 दिनों के अंतराल पर देनी है। भारत में फिलहाल 28 दिनों के अंतराल पर दूसरी खुराक दी जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक स्पुतनिक वी की 0.5 मिलीमीटर की दो खुराक में इंट्रामस्कुलर रूप में दिया जाना है। टीके को 18 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होगा। अभी रेडी लैब रूस से टीके का आयात करेगी। जागरूक टीवी की दिल्ली से खास रिपोर्ट।